हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे एजुकेशनल हब पे। दोस्तों, एक ऐसा काम बताने के लिए जा रहा हूँ, उस काम में कभी नहीं जाना आप जीसीसी कंट्री में, खास करके जैसे सऊदी अरबिया, ओमान, दुबई, कतर, बहरीन, गल्फ कंट्री में नहीं जाना। वैसे काम कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन इस काम में काम के अकॉर्डिंग पैसा नहीं है और बहुत ही हार्ड वर्क है और डेंजर वर्क है। अगर ये काम सीख लिया है, ये आपका प्रोफेशन है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं जानते हो, अभी आपको नए में जाना है, काम की तलाश है, तो इस काम को नहीं सीखना। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई एजेंट, कोई ब्रोकर, कोई जॉब कंसल्टेंसीज वाले आपको चीट ना कर दे, आपको बेवकूफ़ ना बना दे कि इस काम में चले जाओ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अच्छा करियर है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है आपको। और एक काम ऐसा बताऊँगा जो मुझे बहुत पसंद है, जो बहुत ही, अगर आपको मौका मिले तो ज़िंदगी में इस काम को सीख लो, इस प्रोफेशन में जाओ, खासकर जीसीसी कंट्री, गल्फ कंट्री या यूरोप कंट्री में। ये दोनों काम को मैं बताने वाला हूँ। एक बहुत ही बेकार काम है और एक बहुत ही अच्छा काम है। वैसे काम कोई बेकार या बुरा नहीं होता है, लेकिन मेरी अपनी थॉट्स हैं। ये आपका प्रोफेशन है, क्योंकि ये भी एक बेकार काम है, ये भी इंडस्ट्रियल लाइफ है, ये भी एक इंडस्ट्री का पार्ट है। अगर ये काम ना हो तो इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक बुरी बात इसमें यह है कि सैलरी इसमें बहुत ही कम है, और जो रिस्क कवर करते हैं उस सैलरी नहीं है। तो दोनों वर्क को मैं, दोनों प्रोफेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। धीरज बनाकर इस पूरे वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके ज्ञान बढ़ जाती है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस चैनल पे हर तरह की बातें होती हैं, करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर में दो काम मैं बताऊँगा, एक बहुत ही बेकार और एक बहुत ही सुपर डुपर काम जो आपको जाना चाहिए, उस काम में जाना चाहिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। काम बुरा नहीं है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इसमें पैसा नहीं है। वो है स्कैफोल्डिंग। आपको पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। एक ऐसा टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया जाता है हाइट पे काम करने के लिए। एक जैसे कि ऊपर में कहीं काम करना है, कोई चीज़ पाइप जॉइंट करना है या पाइप कटिंग करना है, पाइप को इंस्टॉल करना है या कोई मशीनरी को लगाना है, तो वहाँ उतनी हाइट पे कैसे इंसान खड़ा होगा। तो उसके लिए एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, एक लकड़ी का फट्टे का पाइप को जोड़ करके, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, बनाया जाता है। तो जो उस स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट करता है, जो बंदा उस स्कैफोल्डिंग को बनाता है, उसको स्कैफोल्डर कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग जॉब एक ऐसा जॉब है जो बहुत ही हार्ड वर्क और बहुत ही रिस्की और डेंजर होता है। स्कैफोल्डिंग आप यूट्यूब पे या कहीं पर भी आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। स्कैफोल्डिंग एक अपने आप में बहुत ही डेंजर जॉब। दोस्तों, जितना वर्क हार्ड होता है इसमें, जितना वर्किंग होता है, उतना पैसा नहीं है। 1500 रियाल के अंदर ही इसकी सैलरी होती है, एक स्कैफोल्डर की सैलरी नॉर्मली। मैं इंडस्ट्री में अपने जीवन का बहुत साल मैंने दिया है, और अच्छे और बुरे चीज़ दोनों को मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है। मैं अपनी एक्सपीरियंस बेस पे, प्रैक्टिकल बेस पे मैं बात करता हूँ, तो प्रैक्टिकल यही है, मैंने देखा है बेचारे स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब है, जो पाइप है, बहुत हाइट पे कैरी करते हैं। वो कितना भी हाइट हो सकता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर भी हो सकता है। 40 मीटर हाइट पर भी उस स्कैफोल्डिंग को कैरी करना है, और स्कैफोल्डर खुद ही रस्सी से खींचते हैं उसको, खुद ही इरेक्ट करते हैं, खुद ही बनाते हैं। और हालांकि सेफ्टी प्रिकॉशंस होता है, फुल बॉडी हार्नेस, सेफ्टी हार्नेस यूज़ करते हैं, पहनते हैं, उनको पहनाया जाता है, सेफ्टी रहता है, पूरा एरिया बैरिकेटेड रहता है, लेकिन उसके अलावा बहुत ही हार्ड वर्किंग है। इतना हार्ड वर्किंग है कि मैं इंडस्ट्री में, मैं समझता हूँ, वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लेबर और हेल्पर से भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन उतना पैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जान की इसमें बहुत ही जोखिम होता है, ऊपर से वर्क हाइट से नीचे गिरने की चांसेस होती है, स्लिप करेगा। हालांकि लाइफलाइन होती है, वहाँ सेफ्टी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस यूज़ करते हैं, सब है, लेकिन फिर भी रिस्की होता है। मेरा अपना सोच है, बाकी आपके डिसीजन है। मैं काम को, मैं सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को जो इस काम को कर रहे हैं। और दूसरी बात, दूसरा काम क्या है जो मुझे बहुत पसंद है, किस इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्रियल लाइफ से हटके है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा कपड़ा पहनूँ, साफ़ सुथरी माहौल में रहूँ, अच्छे से रहूँ, पसीना, वहाँ की जो गर्मी है, वहाँ के टेम्परेचर से बचूँ, वहाँ की जो सैंड स्टॉर्म है, जो वहाँ का धूप है, उससे बचूँ, इंडस्ट्रियल लाइफ आपको पसंद नहीं है, तो आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए। चाहे वो सऊदी अरब हो, ओमान हो, कतर हो, यूरोप कंट्री हो, दुबई हो, दुबई हो तो और बेस्ट है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे जॉब होते हैं,
एक वहाँ पे जो ऑफिस बॉय से लेकर के और मैनेजर रैंक तक की जॉब हो जाती है। सेल्स एंड मार्केटिंग हुआ, काउंटर पे हुआ, कैश काउंटर में हुआ, उसकी वैकेंसीज़ भी आती है इंडिया में, ऑनलाइन वैकेंसीज मिल जाएगी। बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ क्वालिफिकेशन होता है, कुछ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होते हैं, वो सब आपको फुलफिल करना पड़ता है। आप उस पर कहेंगे तो बैंकिंग सेक्टर के जॉब पर अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, वहाँ की बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दुबई के अंदर में या सऊदी के अंदर में या दूसरे कंट्री के अंदर में। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर में बैंकिंग सेक्टर के जॉब में थोड़ा खतरा है, क्योंकि अभी सऊदीजेशन जो है वहां पे चल रहा है, अभी सऊदी लोगों को ऑफिशियली जॉब में बैठा जा सकता है। हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ समय में सऊदी के बैंकिंग सेक्टर का जॉब को ख़त्म कर दिया जाएगा और जो खारजी लोग हैं उनको निकाल दिया जाएगा, कुछ जो टेक्निकल लोग हैं वही काम कर पाएंगे। लेकिन अभी आप दुबई, कतर, ओमान ऐसे कंट्री में बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। आप जब बैंक में पैसा डालने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को देखेंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से काफ़ी सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो कैसे काम कर रहे हैं, वो भी तो इंसान हैं और वो भी हमारे देश से, अपने देश से जाकर वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत ही अच्छा है और अच्छी चीज़ है बैंकिंग सेक्टर का जॉब। तो दोस्तों, दो काम मैंने आपको बताया, एक काम बहुत ही बेकार है जिसमें सैलरी नहीं है, रिस्क ज़्यादा, एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा है, उस काम में नहीं जाना। अगर आप पहले से कर रहे हो तो ठीक है आपके लिए, लेकिन नए लोग उसमें एंट्री नहीं करें स्कैफोल्डिंग के काम में। लेकिन जो दूसरा काम है वो बहुत ही सुपर डुपर काम है, बैंकिंग सेक्टर में जॉब। बैंकिंग सेक्टर में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए। और दूसरी चीज़, मैंने बोला था सऊदी अरामको बुक का, जो सऊदी अरामको जो बुकलेट है उसका मैं दूंगा, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, मैं वीडियो टाइम पर नहीं बना पा रहा हूँ और थोड़ा सा दिक्कत में है और बिजी शेड्यूल है, तो मैं करूँगा, मैं दूंगा, मैंने आपसे वादा किया है, तो मैं उसको स्कैन करके पीडीएफ में दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए दोस्तों। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आने वाला है, कोई पैसा नहीं लगता है। बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों।